मामला भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत आने वाले ग्राम सलैया में दिनांक 25 अक्टूबर को प्रधुन मिश्रा पुत्र सीताराम मिश्रा के ट्यूबवेल से चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने दबोह थाना पर दी। फरियादी प्रधुन मिश्रा ने बताया कि मेरा ट्यूबवेल मौजा सलैया में है, जिसमें 25 अक्टूबर की रात्रि को चोरों ने ट्यूबवेल पर चोरी को अंजाम दिया और उसमें रखा सामान चोरी कर ले गया। सामान में 3 बोरी DAP खाद, 2.5 क्विंटल मटर, 1 झटका मशीन, जिसकी कुल कीमत 28,000 रुपये थी। मैंने अपने हिसाब से चोरों का पता लगाने की कोशिश की तो कुछ गाँव के व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई, जिसकी शिकायत थाना दबोह में आकर दी तो थाना प्रभारी ने मेरी शिकायत को झूठ बताकर मेरी शिकायत को लेने से इनकार कर दिया। हमारे पास मात्र खेती ही है, जिससे घर का पालन पोषण करके चलाता हूँ। मेहनत मजदूरी से जोड़ी गई पाई पाई से खेती का सामान बड़ी ही मुश्किल से एकत्र किया था। पुलिस अधीक्षक साहब से यही गुहार है कि मुझे न्याय मिले, जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि दबोह पुलिस नगर में अभी तक हुई चोरियों में से मात्र 1 या 2 चोरियों का ही पता लगा पाई है। धीमान सिंह जी, आप सोशल वर्कर हैं, किसानों के हितैषी हैं, किसानों के नेता भी रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे ये किसानों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, ये बात करें आज की, ये जो उदयनिया जी, जो मिश्रा जी हैं, इनके साथ घटना घटी है, इनके साथ चोरी हुई है, तो ऐसे मामलों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर? मिश्रा जी परिवार इनका बड़ा सीधा और सच्चा परिवार है, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी जी परिवार में कभी इस टाइप का झूठ बोलने की प्रक्रिया नहीं रही है, लेकिन पुलिस के पास बेचारे आंसू बहा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, क्या कारण है? माननीय पुलिस यहाँ के TI साहब से भी निवेदन है कि ऐसे कामों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या यहाँ बैठ के जितनी चोरियाँ हो रही हैं, एक ज्ञानपुरा में चोरी हुई थी, लूट हुई थी, कई जगह हो चुकी हैं, एक रूढ़ सरकार की मंदिर की हुई थी, उसमें 7 महीने बाद ट्रेस कर पाए हैं, और कई नगर में भी चोरियां हो रही हैं, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं उनको धुतका दिया जाता है, क्या कारण है? थाने नाम का क्या था? कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ थाने पे आओ देव चले जाओ जी, आओ देव पाओ चले जाओ जी, ये थाने की व्यवस्था है यहाँ की। कोई यहाँ दिन में डंपर भी निकलते हैं, दिन में रेत खनन भी हो रहा है, कलेक्टर महोदय, SP महोदय के निर्देश के बाद भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, रोज़ यहाँ गाय मर रही हैं 20 सड़क पर जी, उसकी मतलब बड़े बड़े हाईवा निकल रहे हैं, उनको प्रतिबंध होना चाहिए, 8 बजे के बाद निकलें। यहाँ के लोग, छोटा संकीर्ण जगह है, इसमें मतलब छोटी जगह है, यहाँ निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, हाईवे निकलते हैं, दिन में प्रतिबंध करें, कई बार निर्देशित भी अधिकारियों ने किया होगा शायद, हमें पता नहीं है, लेकिन ना चोरियों पर, बस वहाँ बैठ के अपनी वहीं कभी पेट्रोलिंग, कोई दबोह का अगर यहाँ नगर निरीक्षक को कोई शक्ल से नहीं पहचानता है जी, वो सिर्फ वहाँ बैठ के थाने में बैठ के ही लेन देन करते हैं, और या तो फिर यहाँ क्षेत्र में वो आके चुनाव लड़ रहे हैं, आगे सरपंची के चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के आ रहे हैं, ऐसे लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। उच्च अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को आप देखें। कहाँ के रहने वाले हो? सलैया के रहने वाले। क्या मामला है, क्या घटना घटी है आपके साथ? हम किसान हैं, हमारे वहाँ से खाद लेके और बीज लेके कोठी में रख दिया था, उसके बाद पानी भर के बोनी नहीं कर पाए, फिर 3-4 दिन तक खड़ा, उसके बाद हमारी चोरी हो गई, हमारी कोठी में से खाद निकाल लीजिए, बीज निकाल लीजिए, और हमने यहाँ दबोह थाने पर इसकी रिपोर्ट लिखाई सादा, तो उन्होंने सादा एक रिपोर्ट दे दी, उसके बाद 2-3 दिन में उन्होंने बोला था कि अगर कोई सुराग मिले तो हमें बताना, हम सुराग लेके आए तो यहाँ हमको धुतकार दिया और भगा दिया पुलिस ने, और बोले तेरा कुछ नहीं गया है, तुम यहाँ से हट, तुम पैसे को लेके फिर रहा है, ये झूठा मामला है, हट के यहाँ से, अगर नहीं हटा तो पकड़ के डाल दो इसको अंदर। क्या क्या सामान गया था आपका चोरी में? हमारा DAP खाद गया था, और उसकी झटका मशीन गई थी, और मटर का बीज गया था। कितना अनुमानित कितनी राशि का होगा? 28,000 का माल लिया था। 28,000 का, तो पुलिस सुराग नहीं लगा पाई और आपको डरा धमका रही है? आपको धमका रही है, और जो मुलजिम है उनसे भी कहा था मैंने, तो हमसे बोल रहे थे कि अगर तुमने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के लिए गया, तो उल्टा कोई FIR तेरे पर ही लौट के करवा देंगे। तो खाद बीज कैसे खरीदा था आपने? ये 3 रुपया सैकड़ा निकाल के, पैसा निकाल के, और जो बीज खरीदा था, और
इतनी परेशान है कि हम दोबारा तो ले भी नहीं पा रहे। तो सरकार बात की जाए, एक तरफ सरकार आप किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, पुलिस से आपको दुख है, आप किस बात से दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं? उसके लिए थाने में हमको निर्णय मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ, लेकिन हम भटकते फिर हमारे कोई तो वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करते हैं आप? वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत नहीं की आपने? सर इतना कहाँ है कि हम किसानी के लिए अकेले आगे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किराया खर्चे लगता है, कहाँ पर जाएंगे हम, किसी को जानते पहचानते भी नहीं। तो आपको लाहर SDOP या SP साहब के पास इस मामले को लेकर जाना चाहिए था? साथ में हो तब जाए, हम कहाँ जाने, हम जानते ही नहीं, कहीं भी नहीं गए, वो सही पूरी पुष्टि में लगे हमें कि चलो थाने में ले आए मिलेगा हमको। हम कहीं नहीं जानते, थाना जानते हैं, तो यहाँ हमको धुतकार दिया गया, मानो इनसे पहले से ही मुलजिमों से बात हो चुकी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दबोह से कुंज विहारी कौरव की रिपोर्ट।